हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए रेसिपी विद क्रेजी सीमा को और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। इससे इस चैनल की इजी और टेस्टी रेसिपी का मैसेज सबसे पहले आपके पास आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ दूध की टेस्टी सी मिठाई सिर्फ एक कप दूध से। हमारी यूपी में इसे दूधिया के नाम से जाना जाता है, आपके स्टेट में शायद किसी और नाम से भी जाना जाता हो। खैर, नाम जो भी हो, ये मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आज हम इसे इंस्टेंटली बनाएंगे सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए दूधिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसे गैस पर चढ़ाएंगे। इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 कप दूध। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। जब दूध गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हम बैचेस में ऐड करेंगे 2-2 चम्मच करके, और इसे स्पैचुला से चलाते रहेंगे। अगर इकट्ठा मिल्क पाउडर डाल देंगे तो दूध में लम्स बन जाएंगे, गुठलियां आ जाएंगी और मिठाई ज्यादा टेस्टी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर 2-2 चम्मच करके हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और स्पैचुला से चलाते रहेंगे कंटिन्यू। यहाँ पर लगभग 100 ग्राम के करीब मिल्क पाउडर मैंने यूज किया है इस मिठाई में। तो अच्छे से इसे अब चला देंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। तो लगभग 100 ml कंडेंस्ड मिल्क हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। कंडेंस्ड मिल्क ऑलरेडी मीठा होता है, इसमें चीनी होती है, इसलिए इसमें हम हमारी मिठाई में सिर्फ 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर चीनी मैंने डाल दी, मिक्स कर देंगे इसे। आप चाहें तो इसमें आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ दूध का टेस्ट रखने के लिए इलायची पाउडर नहीं ऐड किया है, क्योंकि ये दूधिया है तो इसमें दूध का टेस्ट होना चाहिए। तो अब गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमा, और इसे चलाते रहेंगे जब तक ये यूं गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देखिए, ये गाढ़ा हो चुका है, तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब हमने एक केक टिन लिया है, इसे ग्रीस कर लिया है अच्छे से घी से। आप चाहे तो बटर पेपर भी इसमें नीचे लगा सकते हैं, उससे मिठाई अच्छे से बाहर निकल आएगी। तो अब हम मिठाई का पेस्ट इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे, अच्छे से फैला देंगे इसे। उसके बाद इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, ड्राई नट्स कट करके इस तरह से फैला देंगे, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और इसका टेस्ट भी बढ़ जाए। तो इसे चम्मच से ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और 4-5 घंटे के लिए ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। तो 4-5 घंटे के बाद ये ठंडा हो चुका है फ्रेंड्स। तो साइड से इसे हम इस तरह से स्क्रैच कर लेते हैं, कट कर लेंगे इसे, और उसके बाद इसे सर्व कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी दूधिया मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है।